हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, वित्तीय कार्रवाई कार्बल ऐप ATF। इसके बारे में आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, जब भी समाचार पत्र देखते हैं इस तरह के शब्द मिलता रहता है, ऐप ATF, वित्तीय कार्रवाई कार्बल। तो बात करेंगे आखिर ये है क्या और किस संदर्भ में अभी चर्चा में हाल में बना हुआ है। ATF का गठन की बात करेंगे, सदस्य देशों की भी बात करेंगे, इसकी अभी तक उपलब्धियां क्या क्या रही हैं उस पर भी बात करेंगे, और FATF द्वारा जो जारी की जाती हैं सूचियां उस पर भी बात करेंगे, और FATF की चेतावनी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, यानी कि सभी पक्षों पर नजर डालने की कोशिश हम लोग करेंगे। जून 2020 में वित्तीय कार्रवाई कार्बल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की पूर्ण बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने और आतंकवाद को मिल रहे पाकिस्तानी संरक्षण को साबित करने में भारतीय कूटनीतिक प्रयास को एक और सफलता प्राप्त हुई। वैश्विक स्तर पर आतंकी संगठनों पर नजर रखने वाली संस्था FATF की बैठक में निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा। एक बार मैप्स में आप लोग देख लीजिए आखिर पाकिस्तान है कहाँ, चीन कहाँ है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है आपका पड़ोसी पाकिस्तान और ये आपका पड़ोसी है चाइना। एक बात चाइना के बारे में याद रखिए कि हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी, लेकिन आपने देखा है तिब्बत का अधिग्रहण किसने कर लिया, कब्जा कर लिया चीन ने तिब्बत पर, तब से हमारी सीमा चाइना से भी लगने लगती है। और अभी देखते रहते हैं आप लोग, पाकिस्तान एक पड़ोसी लगा हुआ है तो गुजरात से इसकी सीमा लगती है, इसकी सीमा राजस्थान से, पंजाब से भी और जम्मू कश्मीर से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और लद्दाख अभी बना हुआ है तो POK वाला हिस्सा यहाँ है लद्दाख। लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के वित्त के स्रोत को बंद करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान पूर्व की भांति FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पाकिस्तान को पहले आतंकी फंडिंग नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट्स के खिलाफ 27 पॉइंट एक्शन प्लान का अनुपालन सुनिश्चित करने या फिर ब्लैक लिस्टिंग का सामना करने के लिए जून 2020 तक की समय सीमा दी गई थी। हालांकि वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण यह समय सीमा बढ़ाकर अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है। इसे आप लोग एक तरह से ये कह लीजिए कि ये रेटिंग एजेंसी की तरह काम करता है, कि अगर आपकी रेटिंग एजेंसी गलत है तो आपको, मतलब देखते हैं कि बहुत मुश्किल होता है ऋण मिलना, आपके यहाँ जो निवेश की प्रक्रिया होती है कंपनियों द्वारा उनसे भी कम देखते हैं, कंपनियां आना भी कम हो जाता है, यानी कि एक आपकी बुरी स्थिति को बताता है अगर आपकी रेटिंग खराब है। तो इसी तरह ये भी आपका रेटिंग एजेंसी की तरह काम करता है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की बात करें तो FATF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादियों को वित्त पोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाए रखने से जुड़े खतरों से निपटना है। इन खतरों से निपटने के लिए यह मंच नीतियां बनाता है और साथ ही यह संस्था इन खतरों से निपटने के लिए कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देती है। FATF एक नीति निर्माण निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम भी करता है। यह टास्क फोर्स धन शोधन और टेरर फंडिंग फंडिंग का सामना करने के लिए मानक निर्धारित करती है और नीतियां बनाती है और नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। FATF के अगर गठन की हम लोग बात करें तो बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय संस्थानों के सामने मौजूदा खतरों को देखते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया गया था। FATF का गठन वर्ष 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। 1989 में शुरुआत में FATF का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। वर्ष 2001 में इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसके कार्य क्षेत्र में आतंकी फंडिंग को रोकना भी शामिल हो गया है। इसके बाद से FATF आतंकी फंडिंग पर रोक के लिए नीतियां बनाती है और उनके प्रभावी प्रभावी अमल पर भी नजर रखती है। अगर सदस्य देशों की अगर हम बात करें FATF की, तो
16 सदस्य देश शामिल है इसमें। वर्ष 1991 और 1992 में इसका दायरा बड़ा और सदस्यता 28 तक पहुंच गई थी। वर्ष 2000 तक इसका सदस्यता 31 पहुंच गई थी। फिलहाल एफएटीएफ में कुल 37 सदस्य हैं। यानी कहने का मतलब था कि प्रारंभ में जब इसका गठन हुआ उस समय 16 देश इसमें शामिल थे, उसके बाद अगर अभी वर्तमान की बात करें तो 37 सदस्य इसमें हो चुके हैं। इसमें 37 सदस्य देशों के साथ साथ दो क्षेत्रीय संस्थाएं यूरोपियन कमीशन और गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल GCC आपका भी शामिल है इसमें। यह कार्यदल दुनिया के सबसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भारत वर्ष 2010 में FETA का सदस्य बना। भारत आपका कब 2010 में शामिल हुआ इसमें। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, याद रखिए पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है FETA का। इंडोनेशिया और सऊदी अरब इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किए गए हैं। FETA का अध्यक्ष सदस्य देशों में से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले वर्ष 30 जून को समाप्त हो जाता है। अध्यक्ष ही FETA प्लेनरी की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। FETA की निर्णय निर्माण संस्था FETA प्लेनरी, जिसकी हर साल 3 बार बैठक देखने को मिलती है आपको। इसके सचिवालय की बात करें तो पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन के मुख्यालय में इसका सचिवालय है। अगर इसकी उपलब्धियों की हम लोग बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए FETA ने सिफारिशों का एक सेट तैयार किया, जिसे इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के तौर पर पहचान मिली है। पहली बार FETA ने 1990 में सिफारिशें जारी की, जिसमें वर्ष 1996, सन 2001, 2003 और 2012 में संशोधन किया गया, जिससे कि बदलते हालात में नीतियों की प्रासंगिकता बनी रहे। FETA नीतियों के अमल की निगरानी करती है। इसका कार्य यह देखना है कि दुनिया के तमाम देश उन उपायों को अपना रहे हैं या नहीं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर रोक लग सके। FETA में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के खतरे से निपटने के लिए 40 सुझावों के साथ ही 9 विशेष सुझाव दिए गए। दुनिया के तमाम देशों में ने इन सुझावों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तौर पर स्वीकार किया है। इन चुनौतियों से निपटने में सुझाव काफी कारगर साबित भी हुए। अगर FETA की द्वारा जारी सूचियों की हम लोग बात करें तो FETA दो प्रकार की सूचियां जारी करता है। एक ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि जिस देश पर संदेह होता है और वह ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जिससे कि आतंकवादी संगठन को फंडिंग ना हो, तो उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। याद रखिए क्लियर है, आपका संदेह की बात नहीं है, पाकिस्तान क्लियर है कि ये फंडिंग करता है, लेकिन चीन का इसका इसे साथ होने की वजह से इसे ब्लैक लिस्ट में डाल पाना मुश्किल रहता है। ब्लैक लिस्ट की बात अगर हम लोग ब्लैक लिस्ट की बात करें तो यह साबित हो जाए कि किसी देश में आतंकी संगठन को फंडिंग हो रही है और जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए वह नहीं कर रहा है, तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर हम लोग ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के मायने की बात करें, यानी कि इससे होता क्या है, यदि किसी देश को काली सूची में डाल दिया जाता है तो उस देश को आर्थिक मोर्चे पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अन्य देश निवेश करना बंद कर देंगे, उस देश को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मिलना भी बंद हो जाएगा, विदेशी कार्रवाइयों और बैंकों का उस देश में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां काली सूची में शामिल देश से अपना कारोबार समेट सकते हैं। काली सूची में शामिल देश को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन यूनियन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिट जैसी कंपनियां उसकी रेटिंग भी घटा सकती हैं। अगर FETA की चेतावनी की बात करें तो जून में आयोजित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की पूर्ण बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आतंकी वित्त पोषण के रोकथाम हेतु एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। FETA ने COVID-19 से संबंधित अपराधों में वृद्धि देखी, जिनमें धोखाधड़ी, साइबर अपराध, सरकारी धन या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता का दुरुपयोग आदि शामिल है। पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों को, जो कि खासकर सिर्फ भारत में आतंक फैलाते हैं और मासूम लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें आतंकी संगठन मानने से इनकार करता रहा है। इसमें जमात उल दावा, उसका प्रमुख हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद,
और उसके प्रमुख मसूद अजहर समेत तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के कई बड़े आतंकी इसमें शामिल हैं। ये आतंकी संगठन खुलेआम लोगों से फिरौती वसूलते हैं और इनकी खुलेआम रैलियां होती हैं। इन रैलियों में ऐसी बातें की जाती हैं जो लोगों को चरमपंथ की तरफ धकेलती हैं। आतंकी फंडिंग पर पाकिस्तान के दावे और हकीकत में अंतर साफ देखा जा सकता है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान कुछ कदम उठाता रहा है। इन संगठनों के नेता नज़रबंद होते हैं, दफ्तर बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही चेहरे फिर नजर आने लगते हैं। गतिविधियां भी वही होती हैं, बस संगठन का नाम बदल दिया जाता है। इस बार की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि हमेशा पाकिस्तान को कार्रवाई से बचाने वाले चीन और सऊदी अरब ने भी की लिस्ट से बाहर आने की इसकी उसकी मांग का समर्थन नहीं किया। फिलहाल उत्तर कोरिया और ईरान को इस संस्था ने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा। किसे? उत्तर कोरिया और ईरान को। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि पाकिस्तान को पहले आतंकी फंडिंग नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के खिलाफ 27 पॉइंट एक्शन प्लान का अनुपालन सुनिश्चित करने या फिर ब्लैक लिस्टिंग का सामना करने के लिए जून 2020 तक की समय सीमा दी गई थी। हालांकि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण यह समय सीमा बढ़ाकर अक्टूबर 2020 कर दी गई। सर्वविदित है कि आतंकवाद वैश्विक आपदा है और इसका सामना भी वैश्विक एकजुटता के बिना नहीं किया जा सकता है। FATF के प्रयास सराहनीय है, किंतु सराहनीय परिणाम प्राप्त करना अभी बाकी है। यह तब तक नहीं हासिल हो सकता है जब तक कि आतंक की जड़ पर सतत वार नहीं किया जाता। याद रखिए, इससे पहले आपने देखा है कि अमेरिका एक समय तक ये नहीं मानता था कि आतंकवादी जैसे समूह होते हैं, लेकिन आपने देखा है कि जब से आतंकी हमला पाकिस्तान अमेरिका पर हुआ था, उसके बाद अमेरिका को भी समझ में आ गया कि आतंकी होते हैं। उसने बड़े स्तर पर आपने देखा है अफगानिस्तान में कार्रवाई भी की थी। ये बात अलग है कि लास्ट में अमेरिका हारने की नौबत आ गई हो और आप देखते हैं कि किस तरह से आतंकी संगठन है उनसे भी समझौता कर वो निकलना चाह रहा है, अपनी सेना को वहां से हटाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ये अलग बात है। तो ये कहानी थी आपकी वित्तीय कार्रवाई कार बल की FATF की, ठीक है।